In this topic, we will talk about Bock-Spiers test. Bock-Spiers test is a form of portmanteau test which is used to test the autocorrelations up to a certain specified lag. As we know that in residuals analysis, we calculate the residuals autocorrelation and test the significance of residuals autocorrelation at each individual lag. But the portmanteau test, like Bock-Spiers test, are capable to test the significance of autocorrelations in combined form up to a certain specified lag. अब ये जो दोनों procedures हैं जिसमें हमने residuals की autocorrelation को हर individual lag पे test कर रहे होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो portmanteau test हैं, जैसे Bock-Spiers test है, इसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि एक certain fixed specified lag तक जितनी भी residuals autocorrelation है, in combined, in totality, उनकी significance को test कर रहा होता है. जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि Bock-Spiers test को जब हम residuals autocorrelation पे apply करेंगे, तो ये model की goodness of fit को test करते हैं. हम suppose कर लेते हैं कि हमारे पास एक observed time series मौजूद है yt, और उस पे हमने एक ARMA PQ model fit कर लिया, और वो model कुछ इस form में है. यहाँ से पहला step तो ये होगा, जब हमने model fit कर लिया है, तो उस fitted model से residuals obtain किए जाएं, जिनको हम यहाँ पर zt hat कह रहे हैं. जब ये residuals हमारे पास आ जाते हैं, तो यहाँ से हम कोई m number fix करके residuals की autocorrelation calculate कर लेते हैं up to that specified lag. m की choice पे debate की जा सकती है, जिसमें आम तौर पे recommended ये है कि m is minimum of 25 और 1/4 of the sample size. इन में से दोनों में से जो छोटा number हो, अगर 25 एक छोटा नंबर है 1/4 ऑफ n से, तो 25 को चूज कर लेंगे, और अगर 1/4 ऑफ n 25 के मुकाबले में एक छोटा नंबर है, तो फिर व्हाटएवर दैट इंटीजर नियर टू दैट n ओवर 4, उसको हम एज अ m चूज कर लेते हैं. इंपॉर्टेंट कंडीशन इस टेस्ट में ये है कि m मस्ट बी ग्रेटर देन p प्लस q, जबकि p प्लस q इज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द फिटेड मॉडल, क्योंकि हमने बात की है कि हमने एक ARMA PQ मॉडल फिट किया है. इसका मतलब है मॉडल के अंदर टोटल P प्लस Q पैरामीटर्स होंगे. तो पोर्टमैंटू टेस्ट यूज करने के लिए जब हम M को सिलेक्ट करेंगे, तो M P प्लस Q से बड़ा नंबर कोई होना चाहिए. अब ये जो पोर्टमैंटू टेस्ट है, ये हमें हेल्प कर सकते हैं कि हम ऑटोकोरिलेशन की सिग्निफिकेंस को टेस्ट करें इन कंबाइन up to a specified number of lag. कि आपके पास k is equal to 1 to m, जितनी भी autocorrelations हैं, ये सारी की सारी 0 के equal हैं. तो इस तरह से ये जो portmanteau test है, ये हमें बता सकता है कि up to a certain m, in total, कोई autocorrelations या एक से ज़्यादा autocorrelations significant या magnitude में इतनी high मौजूद हैं कि जिसकी base पे हम residuals में ये कह सकते हैं कि significant amount of autocorrelation अभी भी मौजूद है. Bock-Spiers test जो है, इसका formula कुछ इस तरह से है. QM is equal to N. QM हम एक Q एक statistic के तौर पे हम use कर रहे हैं, जिसको Bock-Spiers के test के तौर पे हम यहाँ पर denote करेंगे. इसका जो subscript M है, वो number of lags हैं, जहाँ जो हमने सेलेक्ट किया है, जहाँ तक हम रेजिडुअल्स की ऑटोकोरिलेशन को टेस्ट करना चाह रहे हैं. एन इज़ द सैम्पल साइज, आर के हैट इज़ द रेजिडुअल ऑटोकोरिलेशन, उन रेजिडुअल्स ऑटोकोरिलेशन को स्केयर कर लिया जाता है और सम किया जाता है अप टू एम, जो भी नंबर हमने चूज़ किया हुआ है. अब ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है, हम इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेटली काई स्क्वेयर है, विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m माइनस p माइनस q. यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि m माइनस p माइनस q ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, चूँकि काई स्क्वेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम एक
नॉन नेगेटिव नंबर होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इस वजह से हमने स्टार्ट में कंडीशन लगाई कि m मस्ट बी ग्रेटर देन p प्लस q, जिसकी वजह से m माइनस p माइनस q हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। अगर मॉडल जो है वो इनअप्रोप्रिएट होगा, यानी जो फिटेड मॉडल, अगर आर्मा पी क्यू मॉडल जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो मॉडल एक अप्रोप्रिएट मॉडल नहीं है, यानी अगर फिट गुड नहीं है, तो इस सूरत में ये क्यू एम की वैल्यू इन्फ्लेट करेगी, बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि रेजिडुअल्स की ऑटो कोरिलेशन मैग्नीट्यूड में बड़ी होंगी, जिसकी वजह से क्यू की एक लार्जर वैल्यू रिजल्ट करेगी, और जिसकी बेस पे हम ये कहेंगे कि मॉडल इनएडिक्वेट है। क्यू की वैल्यू को हम काइस्के डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जिस तरह से हम यूजली टेस्टिंग प्रोसीजर में करते हैं, और उसकी बेस पे हम मॉडल की एडिक्वेसी को कमेंट करते हैं।